हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ की जो एआई ऑटोमेशंस एंड डेटा सेंटर्स में डील करता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी एनालिसिस दूंगा इस आईपीओ की, साथ ही साथ जानेंगे कि जो हमारे प्रीवियस सब्सक्राइब्ड आईपीओज है काका इंडस्ट्रीज, ड्रोन डेस्टिनेशंस एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने यहाँ पे वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड ब्रेकआउट स्टॉक्स, आप उन्हें भी जाके ज़रूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं इस नए आईपीओ की, उसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी वेबसाइट है एंड दे डील विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डेटा सेंटर सर्वर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइड क्लाउड एंड HCI HPS सॉल्यूशंस एंड AI सिस्टम एंड वर्क स्टेशंस। सो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये AI बेस्ड कंपनी है, ये परफॉर्मेंस इन्हांसिंग में काम करती है और साथ ही साथ मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ दैट दे आर इनटू हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। आप देख सकते हैं जो इनकी एक्सपर्टाइज है वो है एंटरप्राइज ग्रेड स्टोरेज। दे हैव डिप्लॉयड ओवर 4000 प्लस GPU बेस्ड सिस्टम्स एंड दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ AI सिस्टम्स एंड वर्क स्टेशन मॉडल्स विच आर डेवलप्ड एंड बींग वर्कड अपॉन। तो ये थे इस पर्टिकुलर कंपनी की डिटेल्स और अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। आप देख सकते हैं जो ये आईपीओ है ये आने वाला है जुलाई 17, 2023 टू जुलाई 19, 2023 को और इसकी जो फेस वैल्यू है वो है ₹2 पर शेयर। अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट लगाना है या एप्लीकेशन लगाना है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि जो आप अपना एप्लीकेशन लगाए वो अपर प्राइस बैंड यानी कि ₹500 पर शेयर पर लगाए। एक लॉट का साइज ₹30,000 है और अगर आपको ये आईपीओ में पैसा लगाना है तो आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम ₹15,000 होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एक एम्प्लॉय डिस्काउंट भी निकाला है, अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप ₹25 कम यानी कि जो लोअर प्राइस बैंड है 475 पे भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। राइट, बात करें इस कंपनी के टोटल इशू साइज की तो आप देख सकते हैं 631 करोड़ रुपीज़ का इशू साइज है जिसमें से 206 करोड़ रुपीज़ आपको कंपनी के पास जाता हुआ दिखाई देगा जो यूज़ होगा कंपनी के फर्दर डेवलपमेंट्स में, R&D में एंड जो इनका रेस्ट ऑफ द 425 करोड़ रुपीज़ का इशू है वो ऑफर फॉर सेल है जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो इसमें स्टेक बेचते हुए आपको दिखाई देंगे। इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो होने वाला है 24 जुलाई 2023 को। अगर आपको ये लॉट नहीं होता है तो आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा 25 जुलाई 2023 तक और इसकी लिस्टिंग डे है Thursday 27 जुलाई 2023। जितने भी हमने IPOs अभी तक इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, वेदर इट बी मैनकाइंड फार्मा, वेदर इट बी आइडिया फोर्ज, साइन DLM, सेंको गोल्ड, सभी IPOs ने आपको एक दमदार लिस्टिंग दिखाई है। उन्हीं के बेसिस पे मेरा ये फेथ है एंड साथ ही साथ मेरी ये रिसर्च है जिससे मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर IPO भी एक धमाकेदार लिस्टिंग का कंटेंडर है और इस पर्टिकुलर IPO में भी आप एक एक्सेप्शनल डिमांड देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर IPO में मैं पर्सनली खुद सब्सक्राइब करूंगा, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन रिलेशन टू उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सनको, आइडिया फोर्स, सेम मैं इस पर्टिकुलर IPO में भी अप्लाई करने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये है कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स हर साल इस पर्टिकुलर कंपनी के एसेट्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे टिल 31st March 2023। जो इनका रेवेन्यू है वो भी उसी स्पीड से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मल्टीपल फोल्ड जंप्स है एंड अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो इनका जो प्रॉफिट्स है वो 2 times होते हुए आपको दिखाई देंगे, 22 करोड़ रुपीज़ से 46.94 करोड़ रुपीज़। कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज होते हुए जा रही है एंड इनकी अगर आप बोरोइंग्स देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। कंपनी छोटी है जिसके वजह से ये थोड़ी सी रिस्की बन जाती है, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर ये कंपनी ऐसे ही फाइनेंशियल्स प्रोड्यूस करती है तो ये स्टॉक या ये IPO आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देके जा सकता है इस पर्टिकुलर लेवल से। राइट, कंपनी का सब्सक्रिप्शन अभी आया नहीं है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकर्स ने 2 ने सब्सक्राइब बोला है, मेंबर्स ने भी सब्सक्राइब करने के लिए बोला है इस पर्टिकुलर IPO को। चलिए बात करते हैं इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है ₹338। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर IPO के अपर प्राइस बैंड पे इसे लगाते हैं तो जो लिस्टिंग अभी दिख रही है इस IPO की होते हुए वो है ₹838, जो आपको देगी 67.60% के प्रीमियम ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग, विच इज मैसिव।
राइट आप देख सकते हैं जब ये पर्टिकुलर आईपीओ ग्रे मार्केट आया था वो 320 पे आया था, उसके बाद से इसमें थोड़ी बहुत तेजी या स्टेबिलिटी दिखाई दी है और 60% से ऊपर ही इस पर्टिकुलर आईपीओ ने अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम को मेंटेन करके रखा है। तो ये थी बात नेटवेब टेक्नोलॉजीज की, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो है मैं आपके साथ एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज के लिए ही शेयर कर रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं, हमारे जो आईपीओ है जिसमें हमने अप्लाई किया है वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आप देख सकते हैं जो इस आईपीओ की लिस्टिंग है वो होगी मंडे 24 जुलाई 2023। तो जो आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 19 जुलाई 2023 वेंसडे, और उसका रिफंड आपको होता हुआ दिखाई देगा 20 जुलाई 2023 को। इस पर्टिकुलर आईपीओ में जैसे अलॉटमेंट आता है मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बना के दिखा दूंगा कि कैसे आप इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन की, तो एक मैसिव सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इश्यू वॉज बॉट 101.91 टाइम्स, 100 टाइम्स से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ है ये पर्टिकुलर आईपीओ, और रिटेल पोर्शन में 72 टाइम्स एप्लीकेशंस लगी है। तो आप सोच सकते हैं कितना कंपटीशन है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए एज वेल। आपकी एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट 72 लॉट्स लगे हैं, तो 72 इन वन के चांसेस है आपके इस पर्टिकुलर आईपीओ में लॉट मिलने के। बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम का, जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है ₹15 का, और आप देख सकते हैं अगर इसे हम अपर प्राइस बैंड यानी ₹25 के ऊपर लगाए तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ₹40 निकल के आता है, जो आपको दे सकता है 60% के गेन्स, विच इज अगेन ह्यूज। और कंपनी ने भी अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम मेंटेन करके रखा है जब से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आना स्टार्ट हुए हैं, और आप देख सकते हैं अभी भी 60% पे ये ट्रेड करते हुए दिखाई दिए है। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर आईपीओ और भी ज़्यादा प्रीमियम दे सकता है, 65-70% तक जा सकता है बिफोर द लिस्टिंग डे। और लास्ट में मैं आपको काका इंडस्ट्री और ड्रोन डेस्टिनेशंस के भी आईपीओ बता देता हूँ। यह है ड्रोन डेस्टिनेशन का एसएमई आईपीओ, आप देख सकते हैं ₹40 पे आ चुका है इस पर्टिकुलर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम, और इसका 61.54% का इसमें हमें लिस्टिंग डे को प्रीमियम देखने के लिए मिल सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ काका इंडस्ट्रीज का, तो ₹104 का टोटल लिस्टिंग हो सकती है, ₹46 का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो देगा आपको रफली 80% के गेंस, विच इज ह्यूमंगस। तो ये थे पूरी की पूरी वीडियोस इन रिलेशन टू द नेट वेब टेक्नोलॉजीज आईपीओ। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू अ गुड रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे वर्टिकल्स में काम करती है, एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं AI एंड ऑटोमेशन इज द फ्यूचर, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज काम करना चाहती है उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में एक नई कंपनी आ रही है। आप इसमें अप्लाई करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि आपको नेटवेब टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में क्या करना चाहिए। पर्सनली मुझे लगता है कि एक धमाकेदार आईपीओ होने वाला है ये, तो आई एम वेटिंग फॉर इट एज वेल। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, हैप्पी इन्वेस्टिंग।